अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। होटल हॉस्टल में चेक इन कर लिया और हमने यहाँ से नाश्ता करने गए थे, नाश्ता करके वापस आए तो हमने ये स्कूटी जो है ये रेंट पे की है, ग्रुप पे है तो सभी ने की थी, हमें भी वैसे भी चाहिए थी तो हमने रेंट की है। इसका जो हमें रेंट पड़ा है टू पर डे 200 भात है, प्लस यू हैव टू गिव योर आईडी और पासपोर्ट। अगर पासपोर्ट नहीं दे सकते तो आप अपना डिपॉजिट देना पड़ता है 2000 भात, तो डेट्स डिपेंड ऑन यू कि आप क्या देना चाहते हैं। अदर देन डैट वन डे का चार्ज है 200 भात और 200 में आपने जैसे आज हमने 1 o'clock ली तो सुबह भी वापस आकर 1 o'clock वापस देनी है, 24 आवर्स का रेंट होता है। बाकी पेट्रोल अपना डलवाना है, जितना लेके गई उतना छोड़ना है, तो डेट्स आर द बेसिक थिंग। अगर डैमेज होगी तो वो भी आप पर है। और यहाँ पे हमने हॉस्टल में चेक इन किया, अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं, कोई वाटरफॉल है और वहाँ पे जा रहे हैं। यहाँ से ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 40-60 किलोमीटर है, तो देखते हैं कि वाटरफॉल कैसा है। ये वो बाइक है जो हमने रेंट पे ली है, आई थिंक 125 cc है या फिर 110 cc है, या 125 cc याद नहीं आ रहा। हम यहाँ पे पेट्रोल स्टेशन आए हुए हैं और क्योंकि जो बाइक आप रेंट करते हैं उसमें पेट्रोल आपने खुद डलवाना होता है। यहाँ पे पेट्रोल स्टेशन पर आए हैं, इनके पास 95 है, हमारे यहाँ पे 95 और 91 चलता है। 95 को हम कहते हैं वो हाई ऑक्टेन वाला ना, यहाँ पे 91 जो है उनके पास अवेलेबल नहीं है, बट 95 है और उसकी प्राइस है 47 भात पर लीटर। आई डोंट नो अगर कन्वर्ट करेंगे पाकिस्तान में कितना बनेगा। पाकिस्तान में इस टाइम लीटर है 230 रुपीज़, तो यहाँ पे आप लगा लें कि 47, लेट मी चेक। तो अगर आप यहाँ से पेट्रोल डलवाते हैं तो ये तकरीबन 280 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से मिलेगा। 95 है, आई डोंट नो इसको हाई ऑक्टेन पाकिस्तान में कहते हैं ये नहीं कहते, बट यहाँ पे जो 91 है उसका रेट है तकरीबन 40 भात पर लीटर, वो पड़ेगा आपको ऑलमोस्ट वही 230-210 ऑलमोस्ट। तो 2 liter डलवाया फॉर द वाटरफॉल थिंग, तो आई थिंक पूरा दिन निकाल जाएगा ईजीली। यार आप सामने का व्यू चेक करें, कितना ही ऑसम है। सामने पहाड़ है, ग्रीनरी है और ऊपर बादल है, लिटरली अमेजिंग। हम पहाड़ों में आ गए, जो पहाड़ हम देख रहे थे ना दूर से उसके ऊपर बादल थे, हम वहाँ पे आ गए और यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है, तो ये हमारे पीछे और बंदे भी आ रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि ये वाटरफॉल इतनी दूर आने का वर्थ है भी या नहीं है। लिटरली वी ड्राइव लाइक फॉर 2 hours और 63 किलोमीटर्स है फ्रॉम चेंग माई हमारे हॉस्टल से, सो लेट्स सी कि ये वाटरफॉल क्या चीज़ है। स्टिकी वाटरफॉल नाम है इसका, अगर आप चेंग माई में आए तो स्टिकी वाटरफॉल सर्च कीजिएगा ऑन गूगल, सो यू विल फाइंड द लोकेशन। ये पहाड़ जो है ना वो हम जो दूर से देख रहे थे ऊपर वाले पहाड़, ये वहाँ पर है और अब ऊपर आ गए हैं, तो ये देखें यहाँ पे बारिश शुरू होगी, पीछे ज़्यादा हो रही थी, यहाँ पे भी थोड़ी सी कम है बट स्टिल है। छोटा सा पौंड है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फिशेज हैं। अब फिशेज कौन सी हैं डेट आई हैव नो आइडिया, बट दिस इज नॉट नेचुरल। ये वाला तो आर्टिफिशियल खुद बनाकर उसमें फिशेज रखी गई हैं टू मेक द प्लेस मोर ब्यूटीफुल। तो ये है जी वो वाटरफॉल, स्टिकी वाटरफॉल, ये वो जहाँ से हम आए हैं ऊपर से वहाँ से इसी तरह का आ रहा है। अभी यहाँ से और नीचे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि क्या सीन है। अभी ऊपर से काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गए, तो अगर नीचे भी सेम हुआ तो फ़ायदा नहीं है वैसे इतनी दूर आने का, बट लेट्स सी कि हमें क्या मिलता है। ये बंदा ये देखें, हम स्टेयर पे चल रहे हैं और ये बंदा इन्हें अपनी स्टेयर,
सीधा रात ही जाना ही नहीं था। आपको मजा आ रहा है? ओके, गुड लक। ऑल्दो ट्रेल काफ़ी ज़्यादा मज़े किया, आप बिल्कुल इस टाइम जंगल में हो तो व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा मज़े के, नेचुरल फुल ऑफ लाइक ब्यूटी, जस्ट लुक अराउंड। लेट मी शो यू लाइक व्यू, ये चेक करो। ये वो वाटरफॉल है, ऊपर से आ रहा है और स्टिकी वाटरफॉल इसको कहते हैं। आई डोंट नो कि क्या स्टिक करता है, बट आई थिंक जो इनकी मड है वो पानी उस पर या रॉक्स हैं जो भी हैं, तो पानी चल चल के ना वो काफ़ी ज़्यादा लाइक वो दूसरी तरह बन गए हैं, स्टिकी टाइप। तो ऊपर जाने की ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या सीन बनता है। Wow. What is the suggestion? I don't know. Oh. Let's go on top. वहाँ से व्यू दिखाता हूँ, ये चेक करो, हम वहाँ पर थे। अच्छा ये इसी तरह से ये ऊपर से वो ऊपर तक जाता है यहाँ कहीं पे, तो देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं और कहाँ तक हम जा सकते हैं। स्लिपरी नहीं है जो ये नीचे है ना रॉक्स इनके, ये वाले ये देखें, लिटरली यू कैन वॉक ऑन देम, आपको शूज़ की भी ज़रूरत नहीं है। हम वहाँ डाउन से आए, वही क्या नाम है उसका जो वाटरफॉल है, ये स्टिकी रॉक्स हैं उनको लेते हुए हम ऊपर आ गए और अभी वापस नीचे जाना है क्योंकि सारे का सारा सामान मोबाइल कीज़ वगैरह वहीं पर है। हमें पता होता तो शायद यहाँ पे छोड़ के नीचे चले जाते और वापस आ जाते, दैट वुड बी मोर कन्वीनियंट। लेट्स सी, बहरहाल व्यूज़ आर अमेजिंग, वाटरफॉल आर लाइक काइंड ऑफ ओके क्योंकि हमारे पाकिस्तान में इससे भी ज़्यादा अच्छे हैं। जो आपका लगी वाली जो ग्रीनरी है ना उसके दरमियान में ये वाटरफॉल है, तो वो आपका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा बेटर कर देता है। खैर यहाँ से वापस चलते हैं नीचे, यहाँ पर वो डिफरेंट काइंड ऑफ बग्स या तितलियाँ बनाई हुई हैं जो यहाँ पे आपको मिल सकती हैं, ठीक डिफरेंट काइंड्स, तो नहीं कितनी काइंड्स की हैं, यहाँ पे नेम वगैरह भी लिखा हुआ है, बट ये यहाँ पे
5 बजे बंद हो जाता है आई थिंक, और हमें उससे पहले पहले निकलना है क्योंकि 2 आवर्स की ड्राइव है, तो वापस हॉस्टल भी जाना है। ये देखें जी, यहाँ पे कुछ और भी है, कुकड़, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, ये है कचुकुमा, ये आई डोंट नो, फॉक्स, मंकीज, पीकॉक, और ये है जी लाइक वो गिद्दड़ या सुअर इसको बोलते हैं। एंड ओवर हियर बर्ड्स आ गए हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा। और ये यहाँ पे जो दरख्त लगे हुए हैं डिफरेंट काइंड्स के, ये देखें, तो वो बताया हुआ है कि क्या 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 चीज़ें हैं। ऑलमोस्ट हाफ वे डाउन आ चुके हैं, तो लेफ्ट टू बैक, या सो देयर इज अ फिश, ओके फिश, थैंक यू, फर्स्ट ऑफ कैच इज अ फिश, गिस्टन घाट, where is it? It's under like a, oh. Oh yeah, that. What is that there, 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 there? Yes. यहाँ से आगे जैसे ऊपर ना, वो सामान बड़ा हुआ हमारा ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, तो बाकी के ग्रुप के आने का वेट कर रहे हैं, एंड देन वी विल गो बैक। ये सारा जंगल है और उसके ऊपर धूप आ रही है, तो व्यू अमेजिंग लग रहा है। वो देखो, ये देखो, एंड दिस व्यू लाइक अमेजिंग। ये देखो, ये वही पानी वहाँ से ऊपर से नीचे आ रहा है, एंड काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी मछलियाँ हैं, एंड यहाँ पर मच्छर काफ़ी ज़्यादा है, सो एक मॉस्किटो रिपेलेंट ले आइएगा अगर आइएगा जहाँ पे, तो वो जरा ना कर लीजिएगा। ये देखें, तो यहाँ से हम जा रहे हैं वापस, वही ये जगह थोड़ी सी ज़्यादा ही वो है, दलदल टाइप, मिट्टी काफ़ी ज़्यादा है और वो नरम भी काफ़ी ज़्यादा है, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फिशेज़ है, लाइक जैसे आप वॉक करते हैं अगर आप देख सकें ना, काफ़ी ज़्यादा फिशेज़ लाइक छोटी छोटी हैं, इतनी इतनी होंगी, मूव कर रही हैं। अगर आप मुझसे पूछें वॉज इट वर्थ इट, तो द व्यू वॉज अमेजिंग, सो इट वॉज वर्थ इट, बट द वाटरफॉल और वट एवर द स्टिकी थिंग इट इज़, डैट इज़ काइंड ऑफ लाइक ओके ओके, ज़्यादा इतनी ख़ास नहीं थी, बस ऊपर जाके थोड़ा सा लाइक इन्जॉय कर सकता है बंदा, बट जो है थे ना व्यू, डैट इज़ लाइक अमेजिंग यार। आई रियली लाइक दिस स्पॉट, एक नज़र सूरज आ रहा, नाउ लुक एट दिस, वहाँ से पीछे थे तो वहाँ से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बटरफ्लाइज हैं, जैसे ऊपर में हमने देखा ना, तो वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ था कि इस किस्म की आपको बटरफ्लाइज यहाँ पे मिलेंगी, तो लिटरली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमने देखी हैं, एंड या ये देखो, यहाँ से हम बाइक से वापस जाएंगे बैक टू हॉस्टल, थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, रात को देखूँगा कि यहाँ पे हम कहाँ पे जा सकते हैं चेंग माई में, और लेट्स सी के क्या बनता है, आई विल अपडेट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, एंड इफ यू डू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड